टांके लगाउण वालियां ने बदलिया नवा रूट। हुण इस रस्ते अमेरिका पहुंचे 5000 भारती। जानो पूरी रिपोर्ट। जड़े लोग विदेश पहुंच के पैसा कमाउण अते अपने सुपणियां नूं पूरा करन दी दौड़ विच हुंदे हन, ओह हमेशा विदेश पहुंचण दा कोई ना कोई राह लभदे रहिंदे ने, जिस कारण ओह मोटी रकम खर्च करके गैर कानूनी ढंग नाल विदेश पहुंच जांदे हन। प्राप्त अंकड़िया अनुसार जून 2024 लगभग 5000 गैर दस्तावेज रहत भारतीय प्रवासी कैनेडा राही अमेरिका दे विच दाखल हुए। बिना दस्तावेजों के यह लोग पैदल जां होर साधनां राही अमेरिका पहुंचे। यह पिछले साल के मुकाबले 5 गुणा वाधा है, जो कि दोवां देशों लई चिंता का विषय है। इन्हां विच ज्यादातर वह लोग शामिल हैं जो एक बेहतर भविख की भाल के आए सन, जो पहला कानूनी तौर पर कैनेडा आए सन, जो बाद रुजगार के मौकों कनैक्शन या यूएस इमीग्रेशन नीति समझे गए फायदे और होर कारण करके किसी न किसी तरीके अमेरिका जाने लिए प्रवास कर गए। मैक्सीको बॉर्डर की बजाय कैनेडा की सरहद तो गैर कानूनी ढंग अमेरिका के दाखिल होने वाले लोगों के ग्राफ के तेजी नाल वाधा होया। इस संबंधी अमेरिका ने भी कैनेडा सरकार को अपनियां उदार वीजा नीतियां नूं लैके चिंता प्रगटाई है, जिस कारण वड्डी गिणती विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी बिना दस्तावेजों के अमेरिका दे विच दाखल हो रहे हैं। कैनेडा जाण समय ब्रिटेन दे विच शरण लैण वाले भारतीय नागरिकां दी गिणती च वाधा होया, जिस कारण यूके भी प्रभावित हो रहा है। बिना दस्तावेजों के देश विच दाखल होण दीआं वधदीआं चुनौतियां कारण तीनों देश अमेरिका कैनेडा ते ब्रिटेन अपनी इमीग्रेशन नीतियां दा मुलांकण कर रहे हैं। अमेरिका कैनेडा सरहद 9000 किलोमीटर लंबी अते असुरक्षित। लगभग 9000 किलोमीटर फैली अमेरिका कैनेडा सरहद दुनिया की सब तो लंबी असुरक्षित सरहद है। अमेरिका मैक्सीको सरहद तो दुगनी लंबाई है, जिसनों लैके दोवे देश आपस दे विच कई बार विचार वटांदरा कर चुके ने। अते मुख चुनौती गैर कानूनी तरीके नाल दाखल होण वालियां नूं रोकणा है। असुरक्षित लंबी सरहद कारण इत्थे प्रवासी बिना दस्तावेजों के दाखल होते हैं, जिन्हां दे विच भारतीयों की गिनती ज़्यादा होती है। गैर कानूनी प्रवेश च वाधा कैनेडा दी इमीग्रेशन अते वीज़ा नीतियां कारण होया है। मन्निया जा रहा है कि कैनेडा ने 2017 के आस पास अपने वीजा नियमों के ढिल दी, ताकि अपनी आर्थिकता वधाउण अते मजदूरों की घाट पूरा करने वधेरे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवासियों आकर्षित किया जा सके।